प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हम लोग अगला एग्जाम्पल करेंगे जो कि जेई मेंस 2019 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में जब किसी प्रोजेक्टाइल को कम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका जो थियरी होता है उससे रिलेटेड है ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हुआ कि अगर एक थीटा पर प्रोजेक्ट किया गया है तो दूसरा जो है 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया होगा। दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इस केस में रेंज इक्वल होता है, मैक्सिमम हाइट डिफरेंट होता है ना, और साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट आता है। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट T1, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट T2। ठीक, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है दो क्वेश्चन पूछे गए थे जेई 2019 में, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है जो आगे हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। कहा गया है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड यू सच दैट दे हैव द सेम रेंज आर, है ना। अब ये कहा गया कि रेंज इक्वल है, इसका मतलब ये हमें समझना है कि कंप्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट किए गए होंगे दोनों, ठीक। बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स H1 एंड H2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो उसमें रेंज और H1 H2 में एक रिलेशन दिया गया है, है ना, तो वो करेक्ट रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो इस केस में अगर मैं कहता हूं कि जो H1 है ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, तो H2 आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यानी कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये होगा। अब सारे ऑप्शन में देखेंगे कि आर स्क्वायर के सामने कहीं ना कहीं H1 H2 सब में है, तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि H1 इंटू H2 फाइंड करते हैं। तो H1 इंटू H2 इसको मैं लिख सकता हूं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यू स्क्वायर बाई 2g का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसलिए क्योंकि मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला इसमें फिट करना चाहता हूं। तो क्या करेंगे, इसको ये ऐसे ही छोड़ेंगे यू स्क्वायर बाई 2g का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसमें से ये होल स्क्वायर है तो यहां पर 2 का स्क्वायर होगा, तो 4 इंटू 4 ये 1/16 बाहर कर देते हैं, तो बाकी क्या बचेगा यू स्क्वायर, ये फिर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाय जी, इसका होल स्क्वायर रह जाएगा। यहां यू स्क्वायर का स्क्वायर था तो यू स्क्वायर का स्क्वायर है, साइन 2 थीटा का स्क्वायर था तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर है, यहां जी का स्क्वायर था तो जी का स्क्वायर है, बाकी 4 और 4 इधर मैंने कर दिया। अब हमें पता है कि ये जो टर्म होता है ये होता है रेंज, है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो आर स्क्वायर जो है यहां से आ गया 16 इंटू H1 इंटू H2, है ना। तो ये जो है ये रिलेशन आया है जो कि आप देखेंगे कि ऑप्शन बी में दिया गया है रिलेशन, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।